महागठबंधन की निर्णायक बैठक शनिवार यानी आज होने जा रही है। बैठक में नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत 14 राजनीतिक दलों के नेताओं को सूचित किया गया है। यह बैठक 11:30 बजे आरंभ होनी है। बैठक वर्चुअल है, इसलिए उम्मीद है कि सभी नेता जरूर शामिल होंगे। बैठक में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। दरअसल पिछली बैठक में गठबंधन ने पीएम कैंडिडेट तो तय कर लिया, लेकिन लंबे समय से लटके संयोजक के रूप में किसी का चयन नहीं किया था। अलायंस की अब तक 4 बैठक हो चुकी है। पहली बैठक पटना में 23 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहल पर हुई। तब से ही संयोजक का मामला लटका हुआ है। हर बैठक के पहले चर्चा जोर शोर से होती है कि इस बार संयोजक का नाम घोषित हो जाएगा, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की मांग उनकी पार्टी जेडीयू भी करती रही है। अब तक संयोजक ना बनाए जाने से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी सामने आई। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी संयोजक का नाम तय होता है या हर बार की तरह मौका हाथ से निकल जाएगा। कांग्रेस की सलाह पर नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट किया। इसके लिए वे तमाम बड़े विपक्षी नेताओं से जाकर मिले, उन्हें एक साथ आने के लिए तैयार किया। कांग्रेस से कभी जिनकी पटरी नहीं बैठी, वैसे दलों को भी एक साथ बिठाने का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी को कभी कांग्रेस से नहीं बनी। टीएमसी नेता और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता की कोशिशें की थी, हालांकि वे बिना कांग्रेस विपक्षी एकजुटता की पक्षधार थी। ऐसे विपरीत मिजाज वाले नेताओं को भी नीतीश ने एक टेबल पर बैठने को राजी कर लिया था। यही वजह है कि शुरू से ही यही माना जा रहा था कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक होंगे। इसके बावजूद अभी तक संयोजक बनाने का मामला टल रहा है। पिछली बैठक में तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया था। अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था। संयोजक पद पर सबने चुप्पी साध ली थी। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी खुलकर संयोजक ना बनाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन उनके हाव भाव से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो नाराज हैं और आज कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी खत्म हो सकती है। लेकिन अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो बाकी पार्टियां विरोध जताती हुई नजर आ सकती हैं, जिसमें ममता बनर्जी या फिर आम आदमी पार्टी ये विरोध कर सकती है।